हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में जो हम देखो सेक्शन कर रहे थे सीपीयू शेड्यूलिंग का, हमने लास्ट टाइम वीडियो किया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम किया था, उसका एक न्यूमेरिकल किया था, डिस्कस किया था कैसे क्या अप्रोच लेके आया था। आज हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, देन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसी के अंदर उसको देखेंगे, ठीक है। पेपरों में कई बार आ जाता है। तो पहला पॉइंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के अंदर क्या कहता है कि ये बेटर फॉर लॉन्ग प्रोसेसेस के लिए काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम है। जो प्रोसेसेस काफ़ी लॉन्ग बस टाइम के लिए होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अप्रोच थी, बहुत अच्छा एल्गोरिथम था। क्यों, उसका रीज़न क्या है, बार बार कहीं पे आपको स्विच नहीं करना। आपको जब सीपीयू मिला तो आपका जो टाइम बढ़ा एक ही बार में यूज़ होता हुआ चला गया, आपको कभी कंटेस्ट स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए लॉन्ग प्रोसेसेस के लिए काफी अच्छा एल्गोरिथम था, ठीक है। देन देखते हैं, काफी सिंपल मेथड था इसको यूज करना, इसको इंप्लीमेंट करना काफी इजी था, और इसके अंदर मिनिमम ओवरहेड होता है प्रोसेसेस का, जिसका मतलब हम बात कर सकते हैं कंटेस्ट स्विचिंग होगी या इधर से उधर तो चीजें हमें सेव करनी पड़ती है, मूवमेंट प्रोसेसेस की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ओवरहेड थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। देन आता है इसके अंदर नो स्टारवेशन। देखो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आगे जाके जब हम प्रायोरिटी एल्गोरिथम करेंगे तब बेसिकली समझ में आएगा। स्टारवेशन का मतलब ये समझ लो कि किसी की प्रायोरिटी का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जो पहले लगा हुआ लाइन में उसको मिल जाएगा। प्रायोरिटी हाई होने की वजह से क्या हो सकता है कि सीपीयू पहले हाई प्रायोरिटी वाले को मिल जाए और जो लो प्रायोरिटी वाला उसको कभी उसका नंबर ही ना आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है कॉनवे इफेक्ट अकर्स। ये कॉनवे इफेक्ट क्या होता है, पहले इसको देख लो। स्मॉलर प्रोसेस हैज टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम इफ दे आर बिहाइंड द लॉन्ग प्रोसेस। भाई अगर सपोज करो कोई प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम कम है और उसके आगे मतलब हाई बर्स्ट टाइम वाले लगे हुए हैं जिनका पहले एग्जीक्यूट होना है, तो क्या होगा, वो बेचारा जिसका प्रोसेस का जिसका बस टाइम कम है वो तो मतलब वेट ही करता रह जाएगा। इस इफेक्ट को हमने क्या कहा, कॉनवे इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पांस टाइम हमारा काफ़ी पुअर हो जाता है, वो हमें नहीं चाहिए। रीज़न क्या है कि जब हमने सीपीयू की बात करी थी, एल्गोरिथम की बात करी थी, बेसिकली कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब कोई एल्गोरिथम हम सिलेक्ट करें, तो वहाँ पर हम पाँच चीज़ें देखते थे। दो चीज़ें क्या थी, पहली कि मैक्सिमाइज करना है क्या थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन, और मिनिमाइज क्या करना है हमें रिस्पांस टाइम, एवरेज वेट टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अगर यही पुअर हो जाएगा तो ये एल्गोरिथम हमारे आगे जाके अलग अलग तरीके से काम नहीं कर सकता, इसलिए ये बेसिकली हमारा जो लॉन्ग प्रोसेसिस है उसके लिए बेटर अप्रोच थी या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी यूजफुल ये साबित होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारे पास कंसेप्ट है जिसके लिए टॉपिक बनाया गया है कि कॉनवे इफेक्ट क्या बेसिकली एक प्रैक्टिकल वे में न्यूमेरिकल के वे में समझते हैं कि कैसे बढ़ा देता है, जो अगर इसके भाई लॉन्ग प्रोसेस वाले आगे हो और शॉर्ट वाले पीछे हो तो किस तरीके से ये बेचारा मतलब रिस्पॉन्स टाइम या वेटिंग टाइम इंक्रीज कर देगा, उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, पिछली वीडियो जिसने देखी थोड़ी सी रिवाइज कर लेना कि सॉरी एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा मैं आपको। प्रोसेस आईडी दी हुई है P1, P2, P3, बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ 70, 1 का 12, धन 3, ठीक है। अराइवल टाइम गिवन है यहाँ पे 0, 1, 2, लास्ट टाइम अराइवल टाइम सबका 0 था, एक ही टाइम पे सब आ गए थे, बट थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। गैंट चार्ट बनाना दोस्तों मैं यहाँ पे, इसको ध्यान ना हो प्लीज पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। गाइड चार्ट हम क्या बेसिकली दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जो सीपीयू की टाइमिंग और प्रोसेस कैसे कैसे किस टाइमिंग पे एंटर हो रहा है। तो पहले टाइम स्टार्ट होती है 0, 0 पे कौन अराइव हो गया, मेरे पास P1 आ गया, P1 आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले ही बताया था जो पहले आएगा वही पहले खाएगा, तो पहले कौन आया P1, P1 को कितनी देर के लिए चाहिए, 70 के लिए, 70 मिलीसेकंड के लिए उसको सीपीयू चाहिए, दे दिया, चलो जी ऐश करो, ओके। नेक्स्ट बढ़ते आगे, अब नंबर किसका आया 1, जब 1 मिलीसेकंड हुआ था तब P2 आ चुका था बट उसको सीपीयू नहीं मिला, वेट कर रहा है, कोई बात नहीं कर भाई, एल्गोरिथम में फंसे हैं तो करेंगे, ठीक है। P2 को नंबर कब आया, 70 के बाद, तो यहाँ पे P2 कितनी देर के लिए चाहिए इस भाई को, 12 मिलीसेकंड के लिए, 70 2 12
82। ओके नेक्स्ट देखते हैं नंबर किसका आएगा, P3 का कितने देर के लिए चाहिए उसको, 3 के लिए, तो 85। इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, 70 जमा 12 कितने हो गए, 82, 82 3 85, आखिरी पॉइंट आपका 85 है, बीच में कहीं पे सीपीयू खाली नहीं था। ओके ये चेक करने का तरीका होता है, कहीं गलती ना कर दो, अपने टाइमिंग गलत ना लिख दियो। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अंदर जल्दी से क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम और एक वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम लास्ट टाइम क्या बताया था कि कंप्लीट कब हुआ और आया कब था, ठीक है जी, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो CTP1 देखेंगे कंप्लीट कब करके गया, 70 पे, ठीक है जी, माइनस P2 कंप्लीट करके कब गया, आखिरी में बाहर कब निकला, 82 पे, ठीक है जी, P3 कब निकला, 85 पे। देन अराइवल टाइम सीधा यहां पे उंगली रखो, मैं एक चीज बता दूं, अप्रोच बता दूं, जब भी आप इसको सॉल्व करो तो ऐसे मत करना कि आपने 70 लिखा माइनस देन 80 को माइनस कर रहे हो, इससे कई बार गलती हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले एक चीज लिख लो देन दूसरी चीज इकट्ठी लिख लो। ठीक है अब सीधा सिंपल क्या, 0, 1 और 2, सॉरी 70, 81 एंड 83, ये इसका आगे टर्न अराउंड टाइम। आगे बढ़ते हैं देखते हैं वेटिंग टाइम कितना आता है सबका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो होता है इस कैट में से, अगर मैं BT माइनस कर दूं यानी बस टाइम माइनस कर दूं। एक चीज बताता हूँ छोटी सी चीज, कैट का अगर फॉर्मूला याद ना रहे कि भाई यहाँ पे AT आना था या BT आना था, तो ये 80 है ये याद रखना, इससे शायद आपको याद है कि 80 और 80 ही आना है, बाकी बचा BT वेट वाले में थे, BT मतलब वेट कुछ इस तरीके से प्रनाउंस कर लो, नाम थोड़े सिमिलर हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है अब बात करते हैं वेट टाइम निकालना, सीधा सा 70 माइनस 81 माइनस 83 माइनस, ये रखा BT कितना है, ये 70 देन 12 देन 3 ये हो गया 80, ये हो गया कितना आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेता हूं पहले, ठीक है जी, 81 में से 12 गए ये आएगा 69, ठीक है जी। आगे जी अब निकालते हैं इस क्वेश्चन का एवरेज वेट टाइम, सबसे पहले एवरेज वेट टाइम पे फोकस करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर और चीजों पे नहीं, एवरेज वेट टाइम निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, सीधी सी बात है वेटिंग टाइम एड करो 0, 69 प्लस में 80 जो कि हो गया 9, 8, 6, 14 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 3 जरूर लगा लीजिएगा, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको सम किया इसको एक तो फिर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखे फॉर्मूला तो हर जगह सेम ही रहेगा, अलग थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है देन इसको सॉल्व करते हैं, 12, 4, 8, 12, 2, 29, 7, 14, 29 में से गए 9, 8, 27, 20 में आ गए 6, 12, 18, 6, 49 आई थिंक 0.66 मिली सेकेंड हमारा क्या आएगा एवरेज वेट टाइम। ठीक है जी अब हम क्या करते हैं इसके अंदर जल्दी से एक चीज कर लेते हैं, हमने क्या कहा था कॉनवे इफेक्ट में क्या होता है कि जिसका बस टाइम ज्यादा है अगर वो सबसे टॉप पे है तो जो जो नीचे बैठे हुए कम बस टाइम वाले उनको दिक्कत रहती है, उनका वेटिंग टाइम ये एवरेज वेटिंग टाइम काफी बढ़ जाता है, वो चीज चेक करते हैं। यहां पे मेरे पास ये चीज आ चुकी है, ठीक है जी अब हम ऑर्डर काफी चीजें चेंज करके देखते हैं, चलो कि ये चीज क्या वाकई में सही थी। ठीक है आइए यहां पे हम अराइवल टाइम चेंज कर देते हैं, ठीक है जी अराइवल टाइम कर देते हैं 0, 2, 1 ऑर्डर चेंज कर दिया एक तरीके से हमने, ठीक है ना, पहले कोई हो रहा है बाद में कोई हो रहा है, फिर देखते हैं क्या असर पड़ता है इस पे। इस वैल्यू को भी थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं साइड में 49.66, ठीक है जी। अब बात करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए अराइवल टाइम पहले कौन आया, अराइवल कौन हुआ P3, तो P3 को जगह देंगे, ठीक है जी आइए P3 को जगह दी, कितनी देर चलेगा अपने बस टाइम तक 3 मिली सेकेंड तक, 3 मिली सेकेंड के बाद यहां पे चीज देखो
फिर एक मिली सेकेंड में बीच में कहीं पे हमारे पास P2 आ गया था बट उसको मिलेगा नहीं, देन हम क्या करेंगे, दूसरा अराइवल किसका हो, P1 P2 का, ठीक है। P2 कितनी देर के लिए चलेगा यहाँ पे, 12 मिली सेकेंड के लिए, 12 और 3 15, ठीक है जी। आखिरी में कौन बचा, P1, उसको डाल देंगे जल्दी से, 70 और 15 85। ओके, अब सी टैट ये सारी चीजें निकालते और देखते हैं किसका क्या वेटिंग टाइम कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। सॉरी, P1 आखिरी में कम निकला, ठीक है जी। P1 देखो 85 पे निकला, ठीक है जी, माइनस P2 कब निकला, 15 पे, ठीक है जी। P3 कब निकला, P3 निकला 3 पे, ठीक है जी। अराइवल टाइम माइनस करना, सिंपल सी चीज, 210 83 14, और ये कितना आया 3, ठीक है जी। माइनस करेंगे, अब हम निकालेंगे WT वेटिंग टाइम, इस 83 14, सिंपल सा लिखो, कुछ नहीं करना। BT बस टाइम माइनस करेंगे, 70 12 3, ये हो गया 13, ये हो गया 2, ये हो गया 0। एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे 13, ठीक है जी, ऐड करने सारे हमें, ठीक है। 13 2 + 0 / 3 कितना हो गया, 15 / 3 कितना हो गया, 5 मिली सेकेंड। यहां पे 49.66 का क्या रहा था एवरेज वेटिंग टाइम, जैसे ही मैंने प्रोसेस या ऑर्डर चेंज किया क्या हुआ, 5 मिली सेकेंड का, एक ही वही 3 प्रोसेस, बस घूम के ऑर्डर चेंज कर दो, एल्गोरिथम वही था, क्या हुआ 5 मिली सेकेंड डिफरेंस। आपने देखा कितने गुना का डिफरेंस है इसके बीच में, तो यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कॉनवे इफेक्ट में क्या होगा, अगर फ्रंट पे हमारे पास वो एल्गोरिथम सबसे पहले आ रहे हैं जो कि क्या है ज्यादा बस टाइम के हैं, तो क्या दिक्कत आती है, कॉनवे इफेक्ट, जिसमें जो शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास जिनका शॉर्ट बस टाइम होता है उनको काफी वेट करना पड़ता है, रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम, अब जो मर्जी निकाल लो सबका यहाँ पे इस केस में ज्यादा आएगा और इस केस में कम आएगा, ठीक है जी। तो इन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो अगला एल्गोरिथम था जिसका नाम था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो बेसिकली हम दो अप्रोचेस में यूज करते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, दूसरा वर्जन होता है इसका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, शॉर्टेस्ट रियल रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है जी। तो दोनों देखेंगे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना मत भूलिएगा, समझ में आए तो सबसे अच्छी बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। जो भी नोट्स डाउनलोड करना चाहे कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जाके उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।